गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, टुडे वी डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोलियम। तो बेटा, पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम इज ए डार्क कलर। ये क्या होता है बेटा? एक काले रंग का कलर होता है। थिक क्रूड ऑयल का मतलब होता है बेटा कच्चा तेल। तो ये मोटा, ये हल्का मोटा जो मोटा होता है, ये कच्चा तेल होता है। और जो क्या है कि ये अपना जो ग्राउंड है, अर्थ है, मतलब उसकी डीप में पाया जाता है, ज़मीन के अंदर पाया जाता है। और इन सर्टेन एरिया में कुछ कुछ एरिया होते हैं जहाँ हमारा ये कच्चा तेल है, ये पाया जाता है पेट्रोलियम। और बेटा, जो पेट्रोलियम है, इसका जो मीनिंग होता है पेट्रोलियम का, इसका मीनिंग होता है एक तरीके से रॉक होते हैं, जिसको हम रॉक कहते हैं, चट्टान ऑयल, रॉक ऑयल, ठीक है। और पेट्रा, अब बेटा जैसे पेट्रोलियम है तो इसमें इसके पेट्रा अलग कर दो और लियम अलग कर दो। जो पेट्रा है बेटा, उसका मतलब होता है, पेट्रा का मीनिंग होता है, पेट्रा जो वर्ड है, PETRA, इसका जो वर्ड है वो रॉक होता है। और ओलियम, ओलियम का मीनिंग होता है तेल, ऑयल। तो पेट्रोलियम जो होता है, ये बेटा दो वर्डों से मिलकर बना होता है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का मीनिंग होता है बेटा रॉक, और ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल, तेल, ठीक है बेटा। तो क्या है बेटा, जो हमारा पेट्रोलियम होता है, डार्क कलर होता है और थिक क्रूड ऑयल होता है, ठीक है। विच फाउंड इन डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन सर्टेन एरियाज, मतलब कुछ एरिया होते हैं हमारे जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, डीप में, गहराई में। और ये कच्चा तेल होता है बेटा हमारा, और काले रंग का होता है, ठीक है बेटा। तो ये होता है अब पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम बेटा होता है जो अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। अनप्लीजेंट ऑर्डर का मतलब, अनप्लीजेंट का मतलब अप्रिय, मतलब जिसकी स्मेल अच्छी नहीं होती। ऑर्डर मीन्स गंध, मतलब गंध टाइप में, एक अजीब सी स्मेल्स होती है गंध टाइप में। तो ये क्या होता है कि अनप्लीजेंट स्मेल होती है बेटा, ठीक है। फिर इट इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम, तो इसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। क्रस्ट होता है गर्त, गर्त बोलते हैं एक तरीके से, पपड़ी टाइप में होता है या गर्त नीचे। तो क्या होता है कि इट इज़ फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ट्रैप्ड इन द रॉक, ठीक है बेटा। जो अपने चट्टान होती हैं ट्रैप्ड, फंसा हुआ मतलब एक तरीके से, उनके बीच में, चट्टानों के बीच में बेटा, कंकड़ पत्थर जो अंडर द अर्थ है, ज़मीन के अंदर जो कंकड़ पत्थर हैं उनके अंदर ये पाया जाता है बेटा। पेट्रोलियम इज नो सिंगल केमिकल कंपाउंड, तो बेटा ये क्या है कि सिंगल केमिकल कंपाउंड नहीं है। पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड नॉन एज हाइड्रोकार्बन्स। तो ये क्या है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, कंपाउंड, या कंपाउंड को हम सब्सटेंस भी कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। अब हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड विच आर मेड अप ओनली टू एलिमेंट। जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है हमारे बेटे, एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से बना होता है। किस किस से? कार्बन और हाइड्रोजन। जो हमारा कार्बोहाइड्रोजन जो हाइड्रोकार्बन्स जो बेटा हमारा कंपाउंड है, ये हमारे दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। अब पेट्रोलियम जो होता है बेटा, इनसोल्युबल इन वाटर। जो हमारा वाटर है इनसोल्युबल होता है, मतलब घुलनशील नहीं है, ठीक है बेटा, ये उसमें घुलता नहीं है वाटर में। पेट्रोलियम इज नेचुरल रिसोर्स, एक प्राकृतिक संसाधन है ये हमारा, ठीक है बेटा, प्राकृतिक संसाधन है जो पेट्रोलियम है। विच ऑब्टेन डीप ऑयल वेल्स विच इज ड्रग इन सर्टेन एरियाज ऑफ द अर्थ। और जो हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन के कुछ जो हमारे एरियाज होते हैं बेटा, तो उसकी डीप में पाया जाता है, गहराई में पाया जाता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल। और ये क्या है हमारे बेटा, कोल है, पेट्रोलियम है, ये हमारी क्या है बेटा, फॉसिल फ्यूल है। और फॉसिल फ्यूल होता है बेटा हमारे, जिसको हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, फॉसिल फ्यूल। तो बेटा हमारे क्या होता है, जीवाश्म ईंधन है ये हमारे, ठीक है बेटा। अब ये होता है हमारा पेट्रोलियम, ठीक है बेटा। अब क्या है कि जो पेट्रोलियम होता है, कि हाउ पेट्रोलियम वाज फाउंड, कि ये कैसे पाया, कैसे मिला,
उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया हमारा पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कितनी गहराई पे पाया जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा अब पेट्रोलियम कैसे बना, अब ये क्या तो क्या है बेटा, जो पेट्रोलियम है या ऑयल है, पेट्रोलियम ऑयल वाज फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रिमैन ऑफ टिनी प्लांट्स एनिमल ब्रीड अंडर द सी मिलियन ऑफ ईयर एगो। मिलियन मतलब बहुत साल, लाखों वर्षों, हजारों वर्ष पहले। क्या है कि बेटा कि जो हमारे छोटे छोटे प्लांट हैं, मरे हुए जैसे एनिमल्स हैं, क्या है कि ये ज़मीन के अंदर क्या है कि बेटे ये दब गए और दबने के बाद वहाँ एक गल गए, सड़ गए। ठीक है बेटा, फिर क्या है, इट इज़ बिलीव द मिलियन ऑफ ईयर एगो, मतलब मिलियन ईयर एगो पहले क्या है कि द टीनी प्लांट्स एंड एनिमल, छोटे मोटे जैसे प्लांट्स हैं और डेड प्लांट्स हैं और डेड एनिमल्स हैं, क्या है कि बेटा विच लिव्ड इन द सी, जो क्या है कि कुछ प्लांट्स ऐसे है कि जो हमारे समुद्र वगैरह, नदियों वगैरह में होते हैं, और क्या है डाइड, मर गए, और दे डेथ बॉडीज सैंक टू द बॉटम सी एंड वर्सून कवर्ड विद द मड एंड सैंड। क्या है कि ये फिर ज़मीन के अंदर चले गए, ज़मीन के अंदर, ठीक है, गल गए, सड़ गए, और फिर क्या ये कवर हो गए, किससे, ये अपनी जो कीचड़ वगैरह होती है, सैंड मिट्टी वगैरह होती है इसके में। ठीक है बेटा, फिर क्या होता है कि ड्यू टू हाई प्रेशर हीट एक्शन ऑफ बैक्टीरियाज और इन द एसेंस ऑफ एयर, कि जो हमारी हाई प्रेशर, प्रेशर बोलते हैं बेटा दबाव जिसको बोलते हैं, दबाव, हाई प्रेशर के कारण और हीट उष्मा के कारण और जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके एक्शन के कारण, तो क्या है कि बेटा, और हवा की एब्सेंस में, हवा की कोई मतलब उपस्थिति नहीं है, क्या है कि द डेड रिमेन ऑफ टिनी प्लांट्स एंड एनिमल वर स्लोली कवर्ड इनटू पेट्रोलियम। तो ये बेटा क्या है कि ये हमारे किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, क्या जो हमारे टिनी प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, जो हमारे समुद्र में है, नदियों में है और अपने अर्थ के अंदर भी हैं, जिनकी लीव्स पत्ते वगैरह अंदर ज़मीन के अंदर क्या हो जाते हैं, ब्रेड हो जाते हैं बेटा, नीचे दफन हो जाती हैं। ठीक है बेटा, ब्रेड के मतलब दफन होना, दब जाना। फिर क्या होता है बेटा कि द पेट्रोलियम द फॉर्म गोट ट्रैप्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इंपीरियस रॉक या नॉन पोरस रॉक फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट। तो ये क्या है कि हमारे इसके इस तरीके से बेटा हमें ये जो है पेट्रोलियम यह हमें पाया गया था। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा, इस तरीके से ये पेट्रोलियम हमारा बनता है अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, इन सर्टेन एरियाज ऑफ। ठीक है बेटा, तो ये होता है हमारा पेट्रोलियम। तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि पेट्रोलियम क्या होता है, कि पेट्रोलियम जो होता है बेटा, जो पेट्रोलियम है, जो हमारे दो वर्डों से मिलकर बनाता है, पेट्रा प्लस ओलियम, पेट्रा का जो मीनिंग होता है बेटा वो तो रोक होता है और ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल, तेल। ठीक है बेटा, अब पेट्रोलियम बेटा हमारा डार्क कलर का होता है बेटा, और क्या है कि जो थिक क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल होता है, और जो हमारे ग्राउंड के अंदर पाया जाता है कुछ एरिया में, इन सर्टेन एरियाज में। और ये क्या है कि बेटा ये अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, मतलब अजीब सी एक गंध होती है, और ये वाटर में इंसोलबल होता है, वाटर में मिलता नहीं है। अब बेटा इसके जो है, जो ये कोई हमारा सिंगल केमिकल कंपाउंड नहीं होता, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन होते हैं, और हाइड्रोकार्बन है जो बेटा उसके दो एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, और ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है। तो ये है हमारा पेट्रोलियम, कैसे मिला बेटा हमें वो आपको मैंने बता दिया। ओके, फिर अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा हम, अक्रेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। अक्रेंस मतलब एक तरीके से घटना बोलते हैं, या फिर हम इसको कैसे अकर करेंगे, कैसे उत्पन्न करेंगे, और कैसे इसका निष्कर्षण करेंगे। ठीक है, ये अगला हम निकालेंगे, एक तरीके से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।